योगी सरकार आने के बाद उत्तर प्रदेश के बदमाशों की शामत आई है। इसी कड़ी में इटावा के वैदपुरा इलाकों में वाहन चेकिंग के दरमियान बदमाशों से पुलिस की जबरदस्त मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 के इनामी बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया, जिसके बाद बदमाश ने उसे गिरफ्तार कर लिया। इस मुठभेड़ में वैदपुरा थाना प्रभारी सत्येंद्र सिंह भदौरिया भी घायल हो गए। घायल बदमाश और थाना प्रभारी को उपचार के लिए मुख्यालय के डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजकीय संयुक्त चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। एक वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था, जिसमें अपराधियों के चेकिंग वगैरह 10 से 12 नंबर पर चल रहा था। उसी में थाना वैदपुरा में यह एक मोटरसाइकिल पे दो काली मोटरसाइकिल बिना नंबर की थी, उसको रोकने का प्रयास किया, जिसमें वो आगे भागी। वैदपुरा रेलवे स्टेशन तक भागी और उसमें थाना प्रभारी उनके हमराहियों पर जो है फायरिंग की। इसके आत्मरक्षा और कर्तव्य पालना इन पुलिसकर्मियों द्वारा भी उसमें फायरिंग की गई, जिसमें जब एक अभियुक्त तो भाग गया और एक अभियुक्त को गोली लगी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। थाना प्रभारी भी घायल हो गए हैं। जो अभियुक्त तो पकड़ा गया, बाद में पता चला वो 2016 में 302, 394, 201 के एक मर्डर केस में लूट के साथ वांटेड चल रहा था।